चलो बनाते हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल गुलकंद के मोदक। इसके लिए मैंने ले लिया है 4 पान जिनको मैंने साफ़ कर लिया था, ये आपको किसी भी लोकल पान शॉप में मिल जाएंगे। अब इसके ऐसे बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर मैं मिक्सी में डाल रही हूँ और इसको अच्छे से एक बार मिक्सी में डाल के चला लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट में डालेंगे 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क और इसको फिर से एक बार मिक्सी में चला लेंगे। उसके बाद इसका ऐसे पेस्ट बन जाएगा अच्छा सा। इसको साइड में रख के हम एक बोल में बनाएंगे फिलिंग, जिसके लिए हम लेंगे 3 टेबलस्पून गुलकंद, 4 कटे हुए चेरीज, 1 बड़ा चम्मच सौंफ जो मैंने रोस्ट करके रखी हुई थी, 1 बड़ा चम्मच ड्राई फ्रूट जिसमें है काजू बादाम और पिस्ता। अब इसके अलावा आप दूसरे भी कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या कम्प्लीटली इन सब चीज़ों को स्किप करके सिर्फ गुलकंद भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी। अब इस घी में मैंने गर्म होने के बाद डाल दिया है 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। अब इस डेसिकेटेड कोकोनट को हमें अच्छे से वार्म करना है, रोस्ट करना है, और ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट करना है, हमें इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब ये हो जाएगा इसमें वो जो मिक्सचर हमने बनाया था वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर, और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में, और जिसको मैं प्लेट में मैंने इसको अच्छे से जो है स्प्रेड करके रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैं आप रियलाइज़ करेंगे कि ये अच्छे से अपना शेप होल्ड कर रहा है। अब इसके बाद हम एक मोदक मोल्ड लेके इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद जो है ये जो ग्रीन हम लोग ने मिक्सचर बनाया था उसको अंदर डाल के अच्छे से साइड्स पे दबा लेंगे। अब बीच में एक गैप क्रिएट कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे गुलकंद की फिलिंग। अब ये फिलिंग डालने के बाद नीचे से थोड़ा और ये जो है ऊपर का ग्रीन मिक्सचर है वो और थोड़ा सा नीचे से लगा के इसको बंद कर देंगे, और ये मोल्ड में से हम ये मोदक को निकाल लेंगे। बस मोदक निकालते वक्त बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्के हाथों से जेंटली निकालना बाहर, और हो गया, मोदक इज़ रेडी। ये बहुत ही डिलीशियस है और बहुत क्विकली बन जाता है, इसमें ऐसे कुछ गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, ये रेसिपी में कुछ गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, मोस्टली तो सब बहुत ही ईजी है रेसिपी है। अब ये यहाँ पे मैंने एक दूसरा मोदक बनाया जिसमें मैंने बाहर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा दिए, और फिर मैंने सेम प्रोसेस फॉलो करके दूसरा मोदक बना लिया, और इसी प्रोसेस से मैंने और भी मोदक्स बना लिए, और ये बहुत ही सिंपल था बनाने के लिए, इट वाज फन टू मेक, और ये ग्रीन कलर बहुत ब्यूटीफुल लगता है और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस।